जाती है असांजे श्री दीपक रोहड़ा साहब बाबा भाऊ जे लाई माता जी या जका गाईना ये कुर्ब जे कोठ ते असाने कुर्ब में अन साईं जे दर ते उन अमर जे सदके ये कलाम पेश कयो ता एकड़ो ही कलाम जे ता जे आगे आए अर्ध मैया तुझो एहसान ओ बतलाहे सघंदुसि की न की गुण गाए सघंदुसि की न की छो त नंढड़ी आहे ज़बान लिखी बि सघंदुसि की न की ओ तो त बेहद जो बयान चाहे सिर कया कुर्बान तब कसर भाया केतरी कसर भाया केतरी कसर भाया केतरी वाह हन कलाम जी सदा है जॾहिं बि ईंदो आहियां तॾहिं चवंदा आहिनि ॻाइण वारा त सभु ॻाईंदा आहिनि पर अलाए कुदरत आहे इहो को योग आहे जो हुकुम थींदो आहे भई इहो कलाम ॿुधाए सोचो ओ सिक थी लॻे सिक थी लॻे अमा रुक्मणी देवी तुंहिंजी सिक थी लॻे ओ सिक थी लॻे सिक थी लॻे अमा रुक्मणी देवी तुंहिंजी सिक थी लॻे रुक्मणी देवी तुंहिंजी सिक थी लॻे सिक थी लॻे मां रुक्मणी
देवी दादी सिकती लगे सिकती लगे सिकती लगे सिकती लगे सिकती लगे ओ सिकती लगे सिकती लगे सिकती लगे सिकती लगे अम्मा रुक्मणी देवी तुझे सिकती लगे ओ सिकती लगे सिकती लगे अम्मा रुक्मणी देवी तुझे सिकती लगे अल्ले 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 बाबा तेरी जान जाने तेरी जान तेरी जान सिकता सजन यार जी यार जी बेली कपे कोरे जिया सोनारो सोन के तके है तोरे आओ पिरी ओरे तकड़ गुजारू नियना सिकती लगे अमर तुमणी देवी तुझी सिकती लगे सिकती लगे रुक्मणी देवी तुझी सिकती लगे तुझे तस्वीरन के अमाट सी तुझे तस्वीरन के अमाट सी मजनेरन मणा पवन था वसी मजनेरन मणा पवन था वसी दिल तड़पे ते मुझो तो हाव तो दुखे सिकती लगे वो सिकती लगे अम्मा रुक्मणी देवी तुझी सिकती लगे सिकती लगे सिकती लगे सिकती लगे ओ सिकती लगे सिकती लगे अम्मा रुक्मणी देवी तुझी सिकती लगे सिकती लगे सिकती लगे अम्मा रुक्मणी देवी तुझी सिकती लगे जो कैसा प्यार कया वो तुझे है
प्यार कया रुक्मणी देवी तुझे सिक्का दी लगे अमर रुक्मणी देवी तुझे सिक्का दी लगे अमर रुक्मणी देवी तुझे सिक्का दी लगे अमर रुक्मणी देवी ओ तुझे सिक्का दी लगे अमर रुक्मणी देवी तुझे सिक्का दी लगे सिर लगे सुने सजनता सिर लगे सिर लगे सुने सजनता सिर लगे दिल जे दिल पर मन जे मन सा सिर लगे दिल जे दिल पर मन जे मन सा सिर लगे सुने सजनता सिर लगे सिर लगे सुने सजनता जय हो नरा दो कुछ विनो
बोलो शंकर भगवान की जय। जोरदार तारियूं असांजे रमेश लाल नानकाणी साहब जे लाइ। शहर जी सुहिणी शख्सियत जंहिंखे तव्हीं टीवीअ ते रोज़ ॾिसंदा हूंदो, ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़ हिकु हिकु शब्द मोतियुनि वांगुरु किरंदो आहे। ईअं त हिकु खां हिकु हुन असांजा दीपक वाटवाणी साहब, पर सभिनीनि खां असांजा सीनियर श्री रमेश लाल नानकाणी साहिब जनि जे लाइ ज़ोरदार तारियूं, जिन खां असांखे ॻाल्हाइण जो सुठो मौक़ो बि मिलंदो आहे। पर अॼु माइक असांजे हथ में ॾेई करे शायदि एक्टिवा जे गम में असांखे पोयां करे विया आहिनि। वाह भैया वाह, जे भैया मां ॾियो साईं ॾह न ई ॾींदुनि त मां चाहींदुमि पंहिंजी ज़िमेदारी अची पाण संभालनि। ऐं गॾो गॾु मां अर्ज़ु कंदुमि असांजी दीदी जिन रोशनी दीदी, मनोज कालाणी जी, असांजा दीपक गुरु जी ऐं असांजा पिता साहब, मां चवंदुमि हिकिड़ो मिंट मंच ते अची करे किताब जो विमोचन कनि। दीदी हा दीदी अचो दीदी, भाऊ नानकाणी जा आज वैसे भी पावन दिन है, सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन भगवान शिव का साक्षात खड़े हैं यहाँ पास में, तो ऐसे पावन दिन पर माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से श्रावण मास के 16 सोमवार के मनसाचा वाचा व्रत का उद्यापन दिवस जो है मनाया जा रहा है। और हमारे बीच में हमारे शहर के कई आध्यात्मिक गुरु, हमारे कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज ही माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से गुण गौरव पुरस्कार दिया जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान देने वाली शख्सियतों को दिया जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस पुरस्कार से हमारी मेयर पूर्व महापौर श्रीमती आशा जीवन इदनानी जी भी सम्मानित हो चुकी हैं, इसमें कई समाज सेवक भी सम्मानित हो चुके हैं, यह दास भी सम्मानित हो चुका है, हमारे बीच गुरु जी दीपक हरि सिंघानी जी और दीदी रोशनी जी भी सम्मानित हो चुकी हैं, जो बहुत ही मकबूल और प्रसिद्ध ऑथर हैं, लेखक हैं। और आज भी उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जिंदगी का विमोचन आज इसी पावन स्थल पर होने जा रहा है। हमारे बीच में बहुत सारे गणमान्य लोग हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की परम आदरणीय दीदी पुष्पा दीदी जी आई हैं। और हमारे बीच दादा मेंगराज मल जी जो आयोजक हैं, इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन, प्रेरणा, सरपरस्ती और रहनुमाई में इस तरीके के बहुत सारे आयोजन यहाँ होते रहते हैं। और हमारे बीच हैं देवानंद फेरवानी जी, भारतीय सिंधु सेना के चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच हमारे शहर पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच शांति दूत रमेश आहूजा जी मेरे भाई यहाँ उपस्थित हैं, मशहूर एंटरप्रेनर मेरे दोस्त भाई मनोज कालानी जी यहाँ हैं, अपनी धर्मपत्नी जी के साथ यहाँ आए हैं। और बहुत सारे लोग हैं, पत्रकार जगत के, समाज सेवी, नाटककार, फिल्मकार, तो सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की शाम भक्तिमय धार्मिक कार्यक्रम की है और मैं इस कार्यक्रम के आयोजक श्री दीपक रोहरा जी से निवेदन करूंगा कि ये जो पुस्तक है, ये जो बुक है गुरु जी की और दीदी की, उनका विमोचन करेंगे। अपने शुभ हाथों से पुष्पा दीदी से निवेदन करते हैं कि इनका पुस्तक का विमोचन करें। भगवान नारायण जी भी यहाँ हैं, अमर शहीद भगत कंवर राम साहब जी भी यहाँ हैं, सदाशिव भोले भंडारी भी यहाँ हैं,
माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था का ये गुण गौरव पुरस्कार 16 सोमवार और ये स्वर्ण जयंती महोत्सव है जो आज यहाँ वितरित किया जा रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से यहाँ दी जा रही है सिंदूर रत्न पुरस्कार के रूप में श्री देवानंद फेरवानी जी को। मैं चाहूँगा कि हमारे दादा मेंगराज मल जी की अध्यक्षता में ये ट्रॉफी इनको दी जाए। हमारे बीच परम आदरणीय दीदी पुष्पा दीदी जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच हमारे उल्लासनगर मनपा के पूर्व सचिव प्रसिद्ध व्यक्ति और लॉ ऑफिसर श्री प्रकाश कुकरेजा जी उपस्थित हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। मैं चाहूँगा वो भी आगे आएं और इस ट्रॉफी को साथ में दें और दो शब्द जो हैं अभी दीपक जी बोलेंगे। थोड़ो दफो जोरदार तारियों मां घुरंदुम मंच ते बीठल सभिनी जे लाइ सचपच आदरणीय त हेठ भी वेठल जाम आहिनि। असांजे शहर में मां हिकिड़ी फोन कई, हिकिड़ो 32 साल जो नौजवान पंहिंजे लेखे निकिरे थो पियो सिंधी समाज जी जोति जॻाइण जे लाइ। असांजे विच में बि शहर असांजो सिंधियुनि जो आहे, सिंधु नगर जो नालो ॾाढो ऊचो आहे। ॿाहिरि वेंदा आहियूं सभु हंधि चवंदा आहियूं सिंधी माना उल्हासनगर, सिंधी माना उल्हासनगर, पर असांजो उल्हासनगर छॾे करे हिकिड़ो सिंधी ॿाहिरां थो निकिरे, उहो सॼे भारत वर्ष में कुंड कुर्श में पंहिंजी घुमी घुमी करे छा हुन पाण न पतो रहियो हूंदो, छा पंहिंजे परिवार खां पंहिंजो टाइम न खसियो हूंदई। ॾींहुं राति हिकु हिकु करे हिकु हिकु शहर में हिकु ई जोति जॻाइण जे लाइ, सिंधियत जी जोति, सिंधियुनि जे हक़नि जी जोति, सिंधियुनि जे कार्यनि जी जोति। मां नथो सम्झा अॼु खां पहिरीं मां देवानंद फेरवानी साहिब सां कॾहिं मिलियो बि हूंदुमि। मां कुझु ॾींहं अॻु में साहिब खे फोन कई, हुननि व्हाट्सअप ते सदैव ॾिसंदो हुउमि। उन खां पोइ मां हिकु ॿिनि ॼणनि सां असांजे विच में कोटा जा बंसीलाल साधवाणी साहिब जेकॾहिं हुजनि त मिंट मंच ते हली अचनि। हर शहर में जीअं अमां समितियूं ठहियल आहिनि, मां उन्हनि खां पुछियो, चयूं भाऊ सिंधु सेना ज़बरदस्त कार्य करे रही आहे, सिंधु सेना जो कमु ॾाढो सुहिणो थी रहियो आहे। त मां दादा भाऊजन सां ॻाल्हायो, मां चयोमां साईं फेरवाणी साहिब उमिरि में भले तव्हीं भले ॾाढा नंढा हुजो, पर सच चऊं तव्हांजो कार्य ॾाढो सुहिणो आहे। हू जेको हिकिड़ो अहमदाबाद मां निकितो आहे मोदीअ जे साम्हूं, कुझु पंहिंजो कार्य पंहिंजे समाज जे लाइ करे थो, असीं बि चवंदा आहिनि कुतो बि पंहिंजे कूंह सां सूंहंदो आहे। त जेकॾहिं भाऊ असांजो सिंधी जे कार्यनि जे लाइ हेॾो सुहिणो कार्य करे थो, त असांजी संस्था बि जेके असांजे ट्रॉफी ॾियण जा प्रोजेक्ट इंचार्ज आहिनि भाउ सुनील दुसेजा ऐं रमेश आहूजा साहिबु, उन्हनि सां मां हिननि इहो अर्ज़ु रखियो। आहूजा साहिबु बिल्कुलु यस कई, चयूं असां उन्हनि खे सन्मानित कंदासीं ऐं ॾींदासीं बि। मां देवानंद फेरवानी साहिब सां इहा ॻाल्हि ॻाल्हाई, चयोमान साईं असांजी संस्था हीअं हीअं करण थी चाहे तव्हांजो सन्मान, तव्हां विश्वास कयो लॻभॻि 1400 किलोमीटर दूर ग्वालियर मां बाय रोड पंहिंजी सॼी मंडली पंहिंजे परिवार सां गॾु हू निकिता आहिनि ऐं अॼु सुबुह जो असां सां पालकी यात्रा में सहमित थिया आहिनि। सॼो ॾींहुं आयोजन में रहण खां पोइ हिन महिल ताईं असां सां गॾु आहिनि। ज़ोरदार तारियूं असांजे देवानंद फेरवानी साहिब लाइ। गॾोगॾु हुननि मुंहिंजे मथां हिकिड़ी ॻाल्हि रखी त मां चाहींदुमि शहर में तव्हां जहिड़ो दीपक बि असां सां गॾु हुजे सिंधियुनि जे हिननि कार्यनि में। त साईं असां सिपाही आहियूं, तव्हांजा हमेशह गॾु आहियूं, पर मां शायदि उहो अमा हूंदी अलाए कीअं हिते पूरी थींदी, असांजी सॼी मंडली बि इहे कार्यनि खे पूरी नथी करे सघे, डिले था हलनि, हर कम में पोयां आहियूं। पर असांजे शहर में हिक खां हिकु सुहिणा सुहिणा जागृत शक्तियुनि वारा, जंहिंखे मुंहिंजे नज़रुनि में मां चवां जीवित आत्माऊं, उहे बि असांजे विच में अथव। उन्हनि खे गॾु खणी करे जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे कार्यक्रम पंहिंजी मुहिम खे अञा अॻियां वधाईंदव त शायदि ॾाढो सुठो थींदो। असांजा भाउ प्रकाश कुकरेजा साहिबु लीगल एडवाइज़र हर काई ॻाल्हि, दीपक गुरू जी, ॿियो असांजो हिकिड़ो कोहिनूर हीरो प्रकाश तलरेजा भले कुंड में बीठो हुजे, अचो साहिबु मिंट 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 हिकिड़ो अचो, उहे माण्हू जेके सचपच पंहिंजे समाज जे लाइ कुझु करण जी कनि। वरना कुर्सी मिली सभु भुलिजी पूरा थी वियासीं, केरु कंहिंखे थो सुञाणे, पर सचपच संतनि जी रहमत आहे, अमां जी महिर आहे,
जो हमेशा इन मंच से सच चवण की ताकत रखो आई आशीर्वाद में दीदी जन का घुरंदम सच्चाई से देव गड रहूँ तो अचो जोरदार तारियन से अस देवानंद फेरवाणी साहब जो स्वागत कदे आहूजा साहब कुछ चवण था चाहन जी सब का पैरी माता रुक्मणी देवी के नमस्कार मैं नंढी गाल बुधाईदम लास्ट ईयर इन सजे ऑल ओवर इंडिया में गोवा में सेमिनार रखो सजे ऑल इंडिया में डेलीगेट्स आया हुआ ए तमाम शानदार उत प्रपोजल रखा सिंधी समाज किए बधाए वो असा अस उल्लासनगर में डालू नाथाणी शेरी लुंड महेश सुखरामाणी अस भी उत गए जय झूले मार्द कदम अस दीदी जिन के दीदी असा पिता साहब ट्रॉफी दियन असाया गुरु जी मनोज कालानी साहब साहब दादा कालानी साहब प्रकाश कुकरेजा साहब के मार्द कद दुशालो वी कर ये शाल असाने हाँ साईं सिंधियत जो कोहिनूर हीरो जेको सिंधी फिल्मों से भी हमेशा मानों के जगाइंदो तो रहे असाने भा दीपक वाटवाणी साहब प्रकाश तलेजा गुरुजी मां चाहिंदम विच में असाजे साहब पूरी मंडली हमारे बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि थोड़ा व्यवस्थित हो जाएं प्लीज कोऑपरेट अस ये क्या है कि जितने लोग यहां मंच पर हैं उन सबको आप ठीक से देख सकें क्योंकि ये हमारे सब समाज के अग्रणी लोग हैं तो मैं चाहूंगा थोड़ा कोऑपरेट करें शांति बनाए रखें और दो मिनट के लिए म्यूजिक और बैंड प्लीज नहीं बजाइएगा हमारे बीच में हमारे बहुत ही लाडले एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे समाज के सिंधी समाज के सबसे अच्छे दोस्त डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और वैसे भी जब भी उल्लासनगर में कोई समाज का कार्य होता है तो वो अपनी अटेंडेंस अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराते हैं और आज माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से जो प्रोग्राम हो रहा है हाँ वो बोल रहा हूँ ससुराल की तरफ से वो बोल रहे हैं मैं सिंधी हूँ मैं मराठी तेला चेंज कर रहा हूँ की तरफ से जल्दी कर उनका रिलेशन हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खुद को शिंदे भी मानते हैं
और शिंदे के साथ सिंधी भी मानते हैं, जोरदार तालियां हो जाएं। और वो ये अपने शब्दों में बोलते भी हैं और इसका मैं विटनेस हूं, क्योंकि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हरिद्वार में हमारे साथ में थे और हरिद्वार में इन्होंने खुद मंच पर अनाउंस किया था कि इनके जो ब्रदर इन लॉ है, इनके जो साले हैं, इनकी वाइफ जो है वो सिंधी समाज की है और इनके परिवार में भी जिस तरह से सिंधी भाषा का बोलना होता है तो वो खुद को भी हमेशा यही कहते हैं कि मैं शिंदे के साथ साथ सिंधी भी हूँ। इसीलिए इनका हमारे उल्लासनगर शहर से भी ज़्यादा प्रेम है, ठाणे कोपरी कॉलोनी में रहने वाले, मुलुंड में रहने वाले सिंधी भाषियों से भी इनका काफ़ी प्रेम है। और देखिए जो दूसरे हमारे गणमान्य हैं, हमारे राजेंद्र चौधरी साहब हैं, हमारे जो उल्लासनगर शहर शिवसेना के प्रमुख हैं और हमारे आदरणीय चंद्रकांत बोडारे साहब, हमारे धनंजय बोडारे साहब इसी मंच पर बोल चुके हैं डॉक्टर के साथ साथ। डॉक्टर साहब तो खुद बोलते हैं कि मैं भी सिंधी हूं, लेकिन धनंजय बोडारे जी इसी मंच पर 2 साल पहले बोल चुके हैं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं इसलिए तुम लोग मराठी हो, लेकिन मैं उल्लासनगर में रहता हूं इसलिए मैं सिंधी हूं, इसी मंच पर इन्होंने बोला था। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में श्री चंद्रकांत बोडारे जी और धनंजय बोडारे जी, हमारे भाई राजेंद्र चौधरी जी, नरेंद्र गायकवाड़ जी और सारे साथी उपस्थित हैं। मैं इस मंच पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक बात जो सर्वप्रथम जो सिंधी समाज को दिल से लगी थी वो ये थी कि बारिश के दौरान कल्याण से हरिद्वार वाली जो ट्रेन है वो बंद हो गई थी 12171, और उस ट्रेन को कोई शुरू नहीं करा सकता था, लेकिन पूज्य चालिया साहब के प्रेमी और साईं वसंत शाह दरबार के संत गणों का प्रोग्राम था और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने अपने भरपूर प्रयास करके इन दोनों ट्रेन्स को न सिर्फ चलवाया और ढेर सारी संगत को उस तीर्थ स्थान पे भव्य कार्यक्रम करने का उन्होंने अवसर प्राप्त किया, जिसके लिए सारा सिंधी समाज इनका हमेशा ऋणी रहेगा। मैं चाहूँगा इस अवसर पर पहले अपने शब्दों में 2 बातें ज़रूर कहेंगे, उसके बाद हम आपका स्वागत करेंगे। जरूर जरूर। जाति माजी सिंधी पन माती माजी मराठी, यह हकीकत तो जेकरे सच बच चाहूं मां जड़ी जड़ी मंच ते वेनो है ना शिवसेना जे मंच ते उन्हें असा बोराड़े साहब भाऊ जिन मुखे घुरायो एक गाल दाड़ी वणंदी आ, हु हमेशा मराठी में गालाइन है पर इस बार मैंने उन्हें अर्ज किया कि माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के चहीते न सिर्फ महाराष्ट्र भर में ही नहीं है, आप देखोगे अगर दिल्ली कश्मीर में अच्छे से अच्छे पक्ष अच्छे से अच्छे पार्टियों मंत्रियों के साथ दिल्ली में रह चुका हूं, लेकिन सचमुच जो एक ताकत दिल से मानता हूं, भेंट भी हुई साहब से, तो अगर आप हम चाहते हैं कि और ज्यादा विस्तार करें तो थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी आए ताकि बाकी समाज भी समझ जाए। जाति माजी पन सिंधी पन माती माजी मराठी, क्योंकि जन्म महाराष्ट्र की पावन भूमि पर हुआ है, हमने न सिंध देखी हमने तो हिंदी देखा है। तो जोरदार तारियों असाजे नंडड़े सदते असाजा एमपी सांसद श्रीकांत शिंदे साहब जेके आयान माता जे न सुने प्रोग्राम में गडोगड़ धन्यवाद असाजे भाऊ चौधरी साहब असाजे भाऊ जन जी बोराड़े साहब असाजा धनंजय बोराड़े साहब दिलीप गायकवाड़ जी सड़ी मंडली जी। आज सुबह मुझे किसी ने टोका के भाऊ आपने ये क्या लगाया है गेट के ऊपर, मैंने कहा वाह, कुदरत देखने वाले की अपने अपने हिसाब से ये होता है छेड़ा मतलब शायद सिंधी और मराठी असी जातिवाद न फैला करे असा सब गड थियूं जेको इन सुहिणी शख्सियत असाजे समाज के लिए असाजे सभी कार्यन हों सो कें भी शायद न किया ये न सिर्फ असाजे लिए पर सजे कल्याण हुए डोंबिवली हुए हर हंध के लिए हर कें कम के लिए असाजे श्रीकांत शिंदे साहब पान अग्न पेर भरे करे ए पांजी दिल्ली ताई सरकार ताई पांजी गाल पहुंचाई आ साईं वसण शाह दरबार जी जेके रेल जी हाणे असाजे भाऊ नानकाणी साहब तवांजी गाल कई सभ खां अगरा थी करे साईं वसण शाह दरबार ते बोराड़े साहब चौधरी जी असाजा श्रीकांत शिंदे साहब पाण अची करे पहुंता
तो जोरदार तारियों असाजे भाऊ श्रीकांत शिंदे साहब के लिए साईं हरीश भाई म्यूजिक हरीश हाँ अर्जु कंदा से तो स्वागत करते हैं हमारे एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का जोरदार तालियों के साथ इस भगवा शॉल के साथ और खूबसूरत फूलों के साथ हमारे आदरणीय चंद्रकांत बोडारे साहब इनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। श्री राजेंद्र चौधरी जी उल्लासनगर शहर शिवसेना प्रमुख हमारे धनंजय बोडारे साहब हाँ हमारे दिलीप गायकवाड़ जी परमानंद गेरेजा जी सुनील दुसेजा जी भी ये सभी हमारे प्रेमी हैं साथी हैं मैं आज के इस अवसर पर मैं चाहूंगा हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब अपने दो शब्द जरूर जरूर कहें सबनी के लख लख बधाई करोड़ करोड़ बधाई मंच पर उपस्थित हमारे लाडले खासदार श्रीकांत शिंदे जी उप जिला प्रमुख भाऊ शहर प्रमुख राजेंद्र जी चौधरी हमारी पुष्पा दीदी दिलीप जी गायकवाड़ बाला श्रीकंडे जी सुनील दोसेजा जी महानगर पालिका के पूर्व सचिव प्रकाश कुकरेजा जी एन रमेश जी और माता की याद में ये जो प्रोग्राम आयोजित करते हैं हमारे शिवसैनिक दीपक रोहेरा जी जय किधर हाथ बजरंग बली किधर गया नाथानी किधर गए नाथानी है परमानंद गिरिया जी जी व्यापारी एसोसिएशन के माता रुक्मिणी देवी सामाजिक संस्था के माध्यम से हमारे दीपक रोहेरा जी और नरेश रोहेरा नरेश नहीं दिख रहे एडवोकेट साहब है क्या हाँ 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 अच्छा ये दोनों भाई अपनी माँ की याद में सामाजिक उपक्रम सामाजिक प्रोग्राम करते हैं हमारी माता रुक्मिणी देवी 16 सोमवार का व्रत करते हैं आज ये समापन का दिन है हर साल इसी दिन यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम उपक्रम करते हैं और शहर के सभी लोगों को यहाँ बुला के आशीर्वाद देते हैं मैं इन दोनों भाइयों को नमन करता हूँ उनको वंदन करता हूँ नहीं बेटे तो बहुत होते लेकिन माता की याद में उनका एक याद है मुझे
बार बार कहते कि हमको वही यहाँ गेट लगाना है, गेट लगाने का, गेट का आपको वादा भी किया है, लगभग प्रोसेस भी चालू है, लग भी हो गया भी है। अगले साल एक जब झूलेलाल मंदिर का मसला था आपको मालूम है, तभी इनके बहुत दिल की तमन्ना भड़ास थी कि सालों साल से हम पीछा करने के बाद भी यह हमारी माता के नाम से जो यहाँ के लोगों को एक यूनिक थी, यहाँ के लोगों को प्रेरणा देती थी, माता भाई भगिनी को प्रेरणा देती थी, सब लोग आके आशीर्वाद लेते थे, और वो माँ का गेट नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी पीड़ा थी उनको, नरेश जी बराबर ना। लेकिन ये दोनों ने कर दिखाया, उसके लिए हम सभी शिवसेना के सभी पदाधिकारी आपके साथ थे, हमने जो आपको वादा किया था पूरा किया है, और ऐसे ही आप इस शहर के लिए, इस समाज के लिए करते रहे। फिर से एक बार आपको तहे दिल से बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, आयो लाल कयो। साहब 7 साल से इस द्वार का नाम था माता रुक्मणी देवी प्रवेश द्वार, कारपोरेशन में सेंशन हो चुका था, माता रुक्मणी देवी मार्ग इस रोड का नाम, साथ ही साथ यहाँ पे माता रुक्मणी देवी चौक। शायद ही ऐसा कोई नेता हो, हमारे आबा आर आर पाटिल साहब हो, महाराष्ट्र भर के नेता यहाँ पर माता जी के पास आते थे, लेकिन सचमुच कहूँगा दिल में बहुत पीड़ा थी। अगले वर्षी के समय मेरे पास में मेरी माता स्वरूप भाभी ज्योति कालानी जी थी, और दूसरे साइड से हमारे बोराड़े बंधु, वो मुझे कह रहे हैं, लेकिन मैं अगर मानूं तो इनसे ज़्यादा मातृभक्त मैं अम्मा के पास जाता था आँखों का ड्रॉप्स डालने के लिए, घर में जय नाथानी जी और मैं माताजी से मिलता था, कई बार उनके साथ बैठता था, तो जो उन्होंने अपने माताजी के कार्यों को लेके किया है उसी तरह मुझे था कि कम से कम जो महानगर पालिका से सेंशन हो चुका है उसके बाद में भी उन चीज़ों में अड़चन लाने वाले कोई और नहीं, ऐसे नहीं था कि कोई और जाति और कोई को खींच रहा था, लेकिन उसको साथ देने वाला, और उन काम को बोलने के बाद 2 महीने के अंदर उन कार्यों को पूरा करने वाला, मैं सचमुच इस भोले के दरबार से कहूँगा, अपने माता के समक्ष कहूँगा, ये हमारे दोनों बंधु, जोरदार तालियां इनके लिए। 1 मीटिंग सिर्फ उन्होंने महानगर पालिका में बिठाई और दूसरे दिन से कार्य शुरू होने हुआ, वरना मुझे दादा दुनीचंद कालानी जी के सुपुत्र खड़े हैं, सचमुच रहमत है, दादा दुनीचंद से लेके हमारे कीमत राम साहब से सभी जन को आशीर्वाद सिर्फ माता जी के लिए मुझे मिला है, उनके साथ रहा हूँ, लेकिन 1 मीटिंग के बाद अगर कार्य शुरू हुआ तो ये हमारे शिवसेना की, हमारे बंधुओं की, बोराड़े बंधुओं की ताकत थी, सचमुच उसके लिए धन्यवाद। न सिर्फ इतना, माता जी के पिछले 55 सालों के कार्यों को देखते हुए हमारे खासदार साहब ने, साथ ही साथ हमारे नामदार शिंदे साहब इनंजा पिता साहब, उन्होंने एक अपने लेटर बेड पे भेजा कि माता जी को पद्मश्री के लिए, पद्म विभूषण के लिए आगे किया जाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि माता जी सिंधी हैं या मराठी हैं, उन्होंने ये देखा कि माता जी के कार्य क्या थे। आज जो हमारे पंत प्रधान जो योजनाएं बना रहे हैं, जो देश भर में चला रहे हैं, माता जी अपने इर्द गिर्द, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ के आसपास के एरिया में अपने जगह पे वो कार्य करती आ रही थी, वो अपने दायरे में कर रही थी। उन कार्यों को हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने जब सुना और देखा तो उसके बाद में उन्होंने अपना लेटर पैड आगे किया, साथ ही साथ उन्होंने एक अनाउंसमेंट और किया। मैं चाहता हूँ साहब के मुख से मैं बता दूँ अपने भाऊ बंधुओं को, उन्होंने हमारी संस्था के लिए आगे आकर के यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा सिंधी समाज के लोग हैं, मैं चाहता हूँ उनके खासदार फंड से शिवसेना की तरफ से एक एम्बुलेंस दी जा रही है संस्था को, जो यहाँ पर पूरी तरह से सेवा में, क्योंकि कई सारी एम्बुलेंस चलती हैं, लेकिन आप पूरी तरह से उसको अपने भाव से चलाइए, निस्वार्थ भावना से गरीबों की सेवा के लिए, तो लाख बार धन्यवाद करूंगा ऐसे हमारे भाइयों को। सचमुच एक से एक सज्जन हीरे बंधे पड़े हुए हैं, और वैसे ही शायद इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं जैसे हमारे सच्चे हीरे मनोज जी रोशनी दीदी हैं। हाँ, सबसे हमारे साहब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब खासदार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब
दो शब्द सबको आशीर्वाद के स्वरूप में कहें, हमने आपको एमपी चुन के भेजा है तो आप हमारी गणमान्य ही हैं, आपके वाक्य सचमुच आशीर्वाद स्वरूप ही होंगे, तो एक दो शब्द हमारे लिए कहें, इन प्यारों के लिए कहें, और असा भी तहे दिल संकल्प कयूं तेरे साहब के वरी वरी असा ते वठी करे अचूं। माता रुक्मिणी देवी सामाजिक संस्था के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे गए कई सालों से होता, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज यहाँ पर अलग अलग जो क्षेत्र में काम कर रहे लोगों उनका भी स्वागत और अभिनंदन बधाई उनको देने का काम और उनका कार्य का गौरव करने का काम आप इस मंच से कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक क्षेत्र में हर एक विभाग में कोई ना कोई ऐसे कुछ बहुत कम लोग रहते हैं कि जो समाज के लिए काम करते रहते हैं, ऐसे समाज के लिए काम करने वाले लोगों का गौरव होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमेशा हम ऐसे लोगों का गौरव करते हैं जिससे आने वाले समय में उनको देखकर उनसे प्रेरित होकर और ऐसे लोग समाज कार्य में जुड़ जाए, तो आप ये काम कर रहे हो और माता रुक्मिणी देवी का कार्य जो है वो हम सभी को पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको ही आगे चलाने का काम यहाँ पर कर रहे हो और यहाँ पर सभी जो गणमान्य व्यक्तिमत्व है उन्होंने बताया कि शिवसेना जो है वो कभी भी जात पात धर्म मानती नहीं है, इसलिए आज झूलेलाल का महोत्सव हो या आज का ये कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो सिंधी, लेकिन सभी लोग उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बीच में आपने हरिद्वार का भी किस्सा बताया कि हरिद्वार की जो ट्रेन है वो बंद हो गई थी, मतलब ट्रेन बंद हो गई तो सबसे बड़ी मतलब ट्रेन बंद तो बंद, लेकिन तभी मुझे पता चला कि ट्रेन हरिद्वार में जाने वाले लोग हजारों लोग हैं, वो सब लोग उनकी उम्मीद मतलब मुरझाए गए थे सब कि अभी जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे कई SMS व्हाट्सएप लोगों ने हाँ व्हाट्सएप SMS किए लोगों ने, मतलब उससे ही पता चला कि गाड़ी बंद हो गई है लेकिन इतने लोग जाने वाले हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा, मतलब व्हाट्सएप का सिलसिला जो शुरू हुआ सभी लोगों का वो ट्रेन खत्म चालू होने के बाद ही जाकर ख़त्म हुआ, तो इतना सभी लोगों के फॉलोअप के कारण सभी लोग उसमें जुड़ गए थे, मतलब एक आदमी का व्यक्ति का काम नहीं है वो, मैं खासदार हूँ लेकिन सभी काम होने के लिए भी सभी का साथ होना जरूरी रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक निमित्त मात्र होता है, तो वैसे सभी लोगों जुड़कर जो आस्था थी लोगों की वो आस्था काम आई और सभी लोग हरिद्वार पहुँचे, और मैं हमेशा सोचता था कि इस कार्यक्रम में जाऊँ लेकिन मैं भी कार्यक्रम में हम सभी लोग उस कार्यक्रम में हरिद्वार में उस ट्रेन के कारण उधर पहुँचे और वो एक अनुभव जो गंगा माँ का आरती का सौभाग्य हम सभी को मिला वहाँ पर, तो ऐसे जो है वो जो अच्छा कार्य करता है उसके साथ भी अच्छा होता रहता है, तो इसका ही अनुभव हम सभी को आया, तो हमेशा शिवसेना आप सभी के साथ है, अभी तो आप साथ में तो है ही, आपके माध्यम से और अच्छे अच्छे काम इस उल्लासनगर में होते रहे और सभी कामों में हम सभी का योगदान सहयोग आप सभी को ऐसे ही रहेगा, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपने यहाँ पर जो आदर सत्कार किया और आपका जैसा प्रेम अभी तक है आशीर्वाद है, ऐसे ही आशीर्वाद कंटिन्यू हम सभी पर रहेगा ऐसी अपेक्षा और उम्मीद आप सभी से करता हूँ, धन्यवाद। आयो लाल कहे लाल। एक बात मैं इस मंच से और भी बताना चाहूँगा, काफ़ी साल पहले जब NCP और कांग्रेस का राज था,
हमारे एकनाथ शिंदे साहब को माता रुक्मिणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से धर्मवीर पुरस्कार करके सम्मानित किया गया था। हमारे एकनाथ शिंदे साहब जी के साथ मैं जब मिलने गया नामदार साहब के साथ, तो उन्होंने बोला, मैं बोला साहब जब आप मंत्री बनो ना तब आप आना। बुला रहे हैं भाई, अभी तो हम लोग अपोजिशन में हैं, तो अभी साहब न सिर्फ खुद लेकिन अपने चौनाइन जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच सकते अपने बच्चों को तो आगे भेजते हैं, पद में उनसे आगे और अपने बच्चे को आगे करके भेज रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे एकनाथ शिंदे साहब के लिए। साथ ही अब दो शब्द हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय, हमारे शहर की शान कहा जाए तो जैसे ब्रह्म कुमारी दीदियां जो कार्य करती हैं समाज हित के लिए, जो पूरे गार्डन वगैरह सजाना न सिर्फ अपने दिलों में एक अंतरात्मा में शिव को जगाना वो कार्य दीदियां करती हैं। दीदी जी की असीम कृपा हम सब पर रही है। आज ये दिवस भी बहुत ही शुभ है, हर साल माता जी का वर्षी उत्सव हो या गुण गौरव पुरस्कार कार्यक्रम, दीदियां संत महंत सवेरे 4:23 पर सदगुरु स्वामी देव प्रकाश जी महाराज पधारे हैं, पूरे दिन संतों महात्माओं का आशीर्वाद, आप प्यारों का, प्यारे प्यारे लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, हमारे बीच में राजवाणी जी माता बैठी हुई हैं 78 जी की, सचमुच आशीर्वाद देने के लिए बच्चे के ऊपर आती हैं, ये माता जी का प्यार है। तो मैं चाहूँगा जिनको हम लोग आज इसी तरह से एक संत एक अलग अलग क्षेत्रों में जिनको सम्मानित करते हैं, तो आज जो दिन है साहब वो दिन भी है हमारे ब्रह्म कुमारी दीदियों को सम्मानित करने का, तो उनको भी सम्मानित करवाएंगे हमारे सांसद हमारे श्रीकांत शिंदे साहब के ओर से। साथ ही मैं चाहूंगा दीदी हमें आशीर्वाद के दो शब्द कहें। दीदी ब्रह्म कुमारी जी। ओम शांति। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय सम्माननीय हमारे एमपी श्रीकांत शिंदे भाई और साथ में हमारे शिवसेना के सभी पदाधिकारी जी और माता रुक्मिणी देवी सामाजिक संस्था के हमारे विशेष दीपक भाई, आज हम सभी यहाँ पर जो श्रावण मास में 16 सोमवार है उनका समापन है। 16 सोमवार, सोम कहा जाता है चंद्रमा को, 16 सोमवार हमें अपने अंदर शिव परमात्मा की ज्योत जगा के हमें 16 कला संपूर्ण चंद्रमा की तरह बनना है। आज वो समाप्ति का दिन है, अर्थात परमात्मा शिव जो ज्ञान सूर्य है उस ज्ञान सूर्य से ज्ञान की रोशनी लेकर अपनी अंतरात्मा को चंद्रमा की तरह 16 कला संपूर्ण बनाना है। यही संदेश आज इस 16 कला श्रावण मास के 16 सोमवार की समाप्ति का है। और हमारे दीपक भाई जो अपनी माता की स्मृति में इस प्रकार का ये कार्य आयोजित करते रहते हैं, उन कार्यों में भारतीय संस्कृति की झलक जो है वो दिखाई देती है। मैं अपने विद्यालय की तरह से ये शुभकामना करती हूँ कि ऐसे कार्य वह करते रहें और अपनी भारतीय संस्कृति को पुनः नया जन्म देते रहें। धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारी पुष्पा दीदी के लिए। सदा आशीर्वाद बरसता रहता है, हम इस लायक तो नहीं कि कुछ दे सकें, लेकिन दीदी से बड़ी विनती की, दीदी हर संत महंत शायद ही कोई ऐसी दरबार हो यहाँ से लेके साईं लखनऊ में साईं चांडूराम साहब, क्योंकि माता जी कहती थी सिंधी में बोलती थी मरने उपरांत आप उनके ऊपर फूलों की बारिश करो, लेकिन जियरे अगर जीते जी उनको एक पुष्प भी दिया तो शायद उनके कार्यों से और कोई प्रेरणा लेगा। तो दीदी जी के कार्य अविस्मरणीय हैं। आप शहर भर में अगर कहीं चले जाएं ब्रह्म कुमारी आश्रम ब्रह्म कुमारी दिए दीदी जी से विनती की, पुष्पा दीदी जी सदैव हमारे पर कृपा की वर्षा कराती आ रही हैं। तो मैं चाहूँगा इस शुभ मौके पर हमारे बीच में हमारे प्यारे प्यारे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, हमारी सोम दीदी को और पूरी हमारी मंडली पुष्पा दीदी को
असांजी रोशनी दीदी वो भी आ गया है और एक और है हमारी डॉक्टर महिमा रोड़ा मेरी सुपुत्री। सचमुच ये भी माँ की कृपा है जो खास आपसे मिलने के लिए कहती थी, आपको देख के प्रेरणा होती। महिमा अचो भाई हरीश, हरीश भाई राजी। हाँ आदरणीय मेहमानों का माता रुक्मणी देवी समाज संस्था की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं चाहूंगा जो भी यहाँ पर खड़े हैं अब विराजमान हो जाएं, अपने अपने जगहों पर विराजमान हो जाएं। तो फिर से ये कार्यक्रम हम शुरू करेंगे और मैं चाहूंगा सभी म्यूजिशियंस भाई जो हमारे हैं सभी रेडी रहें और करण